भारतीय रेल ने पश्चिमी रेलवे और IRCTC के सहयोग से एक नई पहल की है। इस पहल में एक विशेष ट्रेन का उपयोग विज्ञापन गतिविधियों, कला, संस्कृति, फिल्मों और खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पिछले दिनों मुंबई सेंट्रल से एक स्पेशल ट्रेन को दिल्ली तक चलाकर की गई। इस अनूठे सफर में अंदर फिल्मी सितारों से और बाहर एक अपकमिंग फिल्म के पोस्टर्स से सजी एक विशेष ट्रेन मुंबई सेंट्रल से चलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस सफर का फिल्मी सितारों ने खूब लुत्फ उठाया और ये संदेश भी दिया। इन दोनों महानगरों समेत रूट पर आने वाले अन्य स्टेशंस सूरत, वडोदरा और कोटा में भी फिल्म का विज्ञापन किया गया। 8 डिब्बे वाली इस स्पेशल ट्रेन को बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म के पोस्टर्स से सुंदर तरीके से सजाया गया है तथा फिल्म की अन्य जानकारियां भी लिखी हुई हैं। सबसे बड़ा फायदा रेलवे का यह है कि इसमें एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन अभी रेलवे देख रही है कि पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रांसपोर्ट करने के अलावा वो नॉन फेयर रेवेन्यू पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट करने का विनाइल रैपिंग, इवेंट मैनेजमेंट, देन कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज जैसे मैंने बताया, केटरिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी देने से इससे हमारा रेवेन्यू एडिशनल जनरेट होगा। IRCTC द्वारा इन प्रचार गाड़ियों के आकर्षक और विषयगत विनाइल रैपिंग का काम किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कि देश भर में रेलगाड़ियां क्रिस क्रॉसिंग होंगी और ये निश्चित रूप से शॉर्ट प्रचार होने से प्रोडक्शन हाउस को फायदा होगा ही और भारतीय रेल एक बड़े प्रचार वाहन के रूप में उभरेगा। इंडियन रेलवे ने ये नया शुरू किया अपने कल्चर को लेके, कि कल्चर को अपने प्रमोट करो, यू कैन बुक द होल ट्रेन एंड प्रमोट इट थ्रू आउट। सो आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट आइडिया, सो अलॉन्ग विद साजिद नाडियाडवाला एंड माय स्टूडियो फॉक्स, सो दे केम अप विद द आइडिया दैट लेट्स डू समथिंग लाइक दिस एंड वी गॉट द परमिशन वेरी फास्ट एंड हियर वी आर। इट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत मजा आएगा। इंडियन रेलवे ने फिल्म और टीवी से जुड़े हुए निर्माता निर्देशकों को FTR यानी फुल टैरिफ रेट्स ट्रेनों के इस्तेमाल का भी ऑफर दिया है। तो आने वाले समय में आप कई फिल्मों तथा अन्य चीजों के विज्ञापन इस स्पेशल ट्रेन प्रमोशन ऑन व्हील्स पर देख सकते हैं, जिससे भारतीय रेल एक बड़े प्रचार का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही ये भारतीय रेल के राजस्व में भी बड़ा योगदान देगा।